श्री बालकृष्णलाल की वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे आप सभी शुद्धि श्रोता बंधु भक्तिमती माताओं। चार दिवस की कथा यहां से संपन्न हो चुकी है। भगवान के परम पावन चरित्रों में दशम स्कंद से कथा हमने प्रवेश कर लिया। आज कन्हैया की संपूर्ण बाल लीलाएं, कन्हैया मथुरा में पैदा हुए, गोकुल तक पहुंचे, गोकुल के बाद कैसे वृंदावन पहुंचे और कौन कौन सी प्रमुख लीलाएं कन्हैया ने अपने बाल सखाओं के साथ की, इन लीलाओं का हम दिग्दर्शन बस करेंगे। लेकिन इससे पूर्व अपनी मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए एक हरि नाम संकीर्तन। आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वारे आज मैया
आज मैया यशोदा के द्वार बजैया बाज रही। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, 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 होत भवन उजियार हरि वो, होत भवन उजियार मैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार आज नज हुए बाज रही। अरे नंदे घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदे घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदे घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदे घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आदि दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, आदि दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, आदि दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंदे घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दे लालू केड़ा कौन को दे लाभ दी, कौन को दे लालू भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जानन को लालू केड़ा भूलन को लाभ दी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 द्वार बधैया बाजे। जय हो। नंद बाबा के घर में उत्सव का माहौल। व्यास जी लिखते हैं, नंदस्त्वाज्मद उत्पन्ने जाता हिला दो महामना, आहुए विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिल अलंकृता। आठ श्लोकों में, 18 श्लोकों में नंद महोत्सव का बड़ा ही सुंदर गान किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। व्यास जी लिखते हैं कि आज नंद के घर जब पुत्र पैदा हुआ तो ऐसा लग नहीं रहता कि पुत्र हुआ, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो मूर्तिमान आह्लाद यानी कि आनंद पैदा हुआ। परीक्षित, नंद भवन में जब मूर्तिमान आह्लाद या आनंद पैदा हुआ तो नंद बाबा ने सबसे पहले वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवाया जिन्होंने आकर स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म इत्यादि सारे संस्कार किए, आगे लिखते हैं कि नंद बाबा ने 2,00,000 गायों का और 7 बड़े बड़े अन्न के विशाल पर्वतों का दान किया। अन्न के पर्वतों का दान का मतलब अलग अलग प्रकार के अन्नों का, किसी अन्न को जब इतनी मात्रा में एक जगह रख दिया जाए कि उसके विपरीत में खड़े हुए को उसकी प्रतीति ना हो कि इसके विपरीत में कोई खड़ा है, तो इसे कहते हैं अन्न का पर्वत। बाबा नंद ने 7 अन्न के पर्वतों का दान किया। पूरे 84 कोस से ब्रज मंडल के सारे ग्वाल
सारी गोपी बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए आए हैं। आज बाबा अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं। नंद जी के यहाँ कौनो बात की कमी तो है ना है। बस लाला नाथ उत्सव बहुत दिन तक चला। एक दिन बाबा नंद को ध्यान आया कि हम लाला के उत्सव में इतना डूब गए कि कंस को जो हम कर देते हैं, जो टैक्स देते हैं, उस कर को देने का हमें तो स्मरण ही नहीं रहा। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप मथुराम गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। गोपों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त कर, कुछ ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त कर नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा की ओर चले गए। और जब मथुरा में कर देने के बाद भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें मार्ग में श्री वसुदेव जी मिले। बाबा नंद और वसुदेव जी बहुत पुराने मित्र हैं, एक दूसरे से राम राम हुई, एक दूसरे का हाल हुआ। वसुदेव जी ने कहा कि मेरी आठवीं जो कन्या उत्पन्न हुई थी वो कंस के हाथ से छिटक कर आकाश में उड़ गई। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वसुदेव जी ने अपने दुख को ज्यादा नहीं रोया, बल्कि नंद बाबा के पुत्र के बारे में ज्यादा चर्चा कर। वसुदेव जी को भी पता है कि मेरा मित्र नंद आज बुढ़ापे में इसके छोरा भयो है, दोनों मित्र जब मिलते हैं तो एक के मन में पुत्र का वियोग है और एक के मन में पुत्र का आनंद है। थोड़ी देर बाद वसुदेव जी कहते हैं कि भैया नंद, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब तुम्हें जल्दी गोकुल की ओर जाना चाहिए। बोले क्यों भैया? बोले मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि गोकुल पर कुछ ना कुछ अशुभ का प्रभाव आने वाला है। आजकल तेरे ग्रह और नक्षत्र ठीक से नहीं चल रहे, गोकुल में कुछ ना कुछ उत्पात होने वालों है भैया, ऐसा कर तू इधर उधर मत डोल, जल्दी से गोकुल की ओर जाओ। नंद बाबा ने अपने मित्र की बात पर विचार किया और हाथ में पकड़ी हुई कंठी को सटकाना शुरू किया, नारायण नारायण नारायण। मन में एक ही बात कि नारायण मेरे छोरे की रक्षा करियो। और इधर बाबा नंद मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान किए कि तब तक कन्हैया के पास मौसी जी जाकर पहुंच गए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघंती पुर ग्राम ब्रजादिशु। अनेक गांव गांव में भ्रमण करती हुई दिव्य सौंदरी बनाकर आज गोकुल में आई, उतना आई है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित बिल्कुल उसके रूप और श्रृंगार को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वैकुंठ से भगवती लक्ष्मी स्वयं चलकर आ गई। पूतना के जो भी रूप सौंदर्य को देखता देखता ही रह जाता। मैया यशोदा के घर, बाबा नंद के घर,
84 कोस ब्रज मंडल के गोपर ग्वाल बधाइयां ले लेकर पहुंच रहे हैं, उतना भी उनमें शामिल हो गई। नंद के घर जब सारी गोपियां बधाई लेकर पहुंची तो पूतना उनमें मिलकर पहुंची और बहन यशोदा के पास पहुंचकर नाटक करना प्रारंभ किया। बोली बहना, जैसे ही मैंने सुनी कि तोय बुढ़ापे पे छोरा भयो है, मुको तो बड़ा आनंद आ, सब काम छोड़े छाड़े तेरे लाला को मोड़ो देखवे आई हूं। बहना तूने मोए ना पहचानो? अब मैया यशोदा कहती तो क्या कहती, पूरे 84 कोस ब्रजमंडल से सब लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं, अगर ऐसे में कह दे कि नहीं हमने तो नहीं पहचाना तो ये तो शिष्टाचार के विरुद्ध बात है। मैया यशोदा विचार करती है, होगी कोई अपनी संबंधी होगी, दूर की होगी, बहुत दिनों से मिले नहीं होंगे, एकदम से तो प्रश्न करना नहीं है ठीक। कोई बात नहीं, कन्हैया पालने में लेटे हैं, मैया घर के कुछ कामों में लग गई और पूतना ने इस बात को देख लिया और जैसे ही पूतना पर कन्हैया की दृष्टि पड़ी, कन्हैया ने तिरछी तिरछी नजरों से देखा और सोचने लगे आए गई मौसी, और तुरंत कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। विबुद्धताम बालक मारका ग्रहम चराचरात्मा निमीलते क्षण, भगवान तो इस संपूर्ण चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आया है, कैसे आया है, भगवान को यह सब बात का पहले ही से आभास होता है। अब यहां संतों ने अलग अलग तरीके से भाव दिए कि पूतना को देखकर कन्हैया ने आंखें बंद क्यों कर ली। ब्रिज के एक संत कहते हैं कि आंखें इसलिए बंद कर ली कि कन्हैया ने विचार किया हम आए तो हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, लेकिन सबसे पहले आ गई पूतना मौसी, हमें लगता है कि अब अपने कार्य का प्रारंभ यहीं से करना पड़ेगा, इसलिए मंगलाचरण करने के लिए, श्री गणेश जी का ध्यान करने के लिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। दूसरे संत कहते हैं कि नहीं नहीं ये बात नहीं है। बोले कन्हैया ये सोच रहे हैं कि मैं ब्रिज में आयो तो थो माखन और मिश्री खावे को, लेकिन अब पीना पड़ेगा जहर, और जहर पीने का मुझे अभ्यास नहीं। बोले बाबा भोलेनाथ को बड़ो पक्को अभ्यास है। तो कन्हैया बाबा भोलेनाथ का ध्यान करने लगे, हे बाबा समुद्र मंथन हुआ था और जब ये पृथ्वी कालकूट विष के प्रभाव से जली चली जा रही थी तब आपने आकर सबकी रक्षा की थी और उस कालकूट विष को पिया था, बस ऐसे ही मेरा समय आ गया है कि पूतना मौसी मुझे विष पिलाने के लिए आई है, इसलिए भोलेनाथ आप आए और पहले आप विष का पान करें फिर हम दुग्ध का पान करेंगे। ब्रिज के रसकों ने अनेक अनेक अर्थ निकाले, सैकड़ों वर्षों से हजारों वर्षों से रसिक जन अपने रस में मगन आनंद, एक एक श्लोक का अर्थ करते 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 अनेक अनेक श्लोक अनेक अनेक प्रकार से उनकी व्याख्याएं रसिक जनों ने प्रस्तुत की हैं। और जैसे ही पूतना ने कन्हैया को हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद विषय लगा हुआ स्तन कन्हैया के मुख में दिया तो कन्हैया ने स्तन पान करना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया ने पहले विष पिया, विष के बाद दुग्ध पिया, दूध पिया,
और दूध पीने के बाद धीरे धीरे कन्हैया ने मौसी जी के प्राण ही पीना प्रारंभ कर दिए। और जैसे ही प्राण खींचने लगे उतना को अथाह वेदना होने लगी। चीत्कार उठी, चिल्ला उठी, मुंच मुंच, छोड़ दे बालक। भगवान ने कहा है कि क्या कह रही है, छोड़ दे मन में कह रहे हैं भगवान। अरे मैं तो एक बार जिसको पकड़ लेता हूं उसको मैं छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। कन्हैया ने पूतना के संपूर्ण प्राणों का हरण कर लिया और तब पूतना की वास्तविक देह सामने आई, विशाल देह बनाकर धम्म से जमीन पर गिरी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मानो पूरी धरती हिल गई, दसों दिशाएं चीत्कार से गूंज उठी। पूतना ने इतना बड़ा शरीर बनाया कि छह कोस तक उसका विशाल शरीर जाकर गिरा। बड़ा भयानक शब्द हुआ। जब भयानक शब्द हुआ तो मैया यशोदा और जितने लाला थे, गोप थे, ग्वाल थे, गोपियां थीं, इन सब ने देखा कि आखिर ये शब्द कौन सा हुआ। तो कोई भयानक आवाज आए, कोई कुछ आए, तो मैया को सबसे पहले ये लगता है कि मेरा कन्हैया कहाँ है। हर माताओं की स्थिति यही। मैया यशोदा ने देखा कि तो पालने में लाला नहीं था। मैया परेशान, मेरो लाला कहाँ चलो गए, मेरो लाला कहाँ है, ढूंढने लगे। सारे ब्रजवासियों ने मिलकर ढूंढना प्रारंभ किया। आगे चलकर देखा कि इतना विशाल शरीर और उस विशाल शरीर के ऊपर उधर पर कन्हैया आनंद से बैठे, आनंद से लेटे। कुछ ग्वाले गए, कन्हैया को नीचे उतारा, मैया के हाथ में दिया और मैया ने जब स्तनपान कराना प्रारंभ किया और जब कन्हैया पीने लगे तब मैया की जान में जाना, चलो मेरे छोरो तो ठीक है। अब सब बैठ के बुद्धि लगा रहे कि मर कैसे, कौन है, क्या है, मरी कैसे। एक छोरा बोलो कि मैया हम बताएं ये कैसे मर गई। बोले कैसे मर गई, बोले ये बहुत तेज भाग रही होगी और इसके कोई पत्थर बत्थर का टुकड़ा ठोकर लगी होगी तो गिर गई और गिर गई तो मर गई। दूसरा छोरा बोले को भैया अगर ये भागते भागते मर गिरती तो खोपड़ी के बर गिरती, ये तो चित्त पड़ी है। ऐसे ऐसे अनेक कयास वहां पर लगाए जा रहे हैं गोपियों के द्वारा, गोपों के द्वारा। मैया ने देखा कि अब जो हो गया सो हो गया, मेरा लाला तो सुरक्षित है। घर पे ले आई कन्हैया को, गौमूत्र में पंचगव्य में स्नान कराया। अच्छा पहले ये नियम था, कोई भी बालक या बालिका कोई समस्या आती थी, अलाबला आती थी तो गैया मैया के पंचगव्य में उसको स्नान कराते थे और गौ माता की पूंछ से झाड़ा भी लगाते थे। यहां मैया यशोदा ने कन्हैया को गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाया। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान नारायणो बतु श्वेत दीप पतिश्चतम मनो योगेश्वरो बतु। आज भगवान को भगवान के ही नाम से झाड़ा लगाया जा रहा है। भगवान ऋषिकेश, मेरे लाला को ठीक कर दो, मेरे लाला की प्राणों की रक्षा करो। 8 श्लोकों में यहां बाल रक्षा कवच पढ़ा गया है। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, सारे ग्वालाओं ने खबर दी नंद बाबा से, कहा कि बाबा तुम चले गए मथुरा को, इधर तो बड़ो गजब हो गए, पूतना आ गई, क्या करना चाहिए, इसका इतना बड़ा शरीर पड़ा है। नंद बाबा बोले भैया हमें तो सब बात समझ में आ गई। बोले क्या,
बोले आज मान गए कि भैया वासुदेव एक नंबर को ज्योतिषी है, आने तो पहले ही बता दी कि जाओ, कोनो न कोनो आदि न आदि व्याधि आने वाली है। बाबा नंद ने ग्वालों के साथ जाकर देखा कि मार्ग में बहुत विशाल शरीर पड़ा है, तब यहां नंद बाबा ने आज्ञा दी कि इसके हाथों को और भुजाओं को पैरों को काट कर उनके ऊपर जितने भी वृक्ष टूट गए हैं इन वृक्षों को डाल दिया जाए और अग्नि लगाकर इसका संस्कार कर दिया जाए। ग्वाल वालों ने ऐसा ही किया, जितने वृक्ष टूट गए थे उसके ऊपर डाल दिए, अग्नि लगाकर उसका संस्कार कर दिया। यहां पर व्यास जी लिखते हैं, दही मानस देहश धूमाश गुरु सौरभा। व्यास जी कहते हैं कि जब इस पूतना का शरीर जला तो इतनी तेज सुगंध आई, इतनी तेज सुगंध आई कि बहुत दूर तक वो सुगंध फैल गई। परीक्षित जी एकदम चौंक पड़े। परीक्षित जी बोले, महाराज पूतना जैसी पापनी और इस पापनी के शरीर के जलने पर इतनी अच्छी सुगंध कैसे आई? अरे ये तो पुण्यात्माओं विमलात्माओं का काम है। अच्छे काम जब मनुष्य करता है तो उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व और उसका शरीर सब कुछ सुगंधित होने लगता है। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने पूतना का पूरा परिचय दिया। बोले, परीक्षित अपने प्रभु की लीला ही धन्य है। बोले, कैसे? पूतना लोक बालागनी राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनम तद्वापुषद्गतिम। पूतना का मतलब होता है पूतम नयति, ऐसे मान लो जो किसी के पुत्र को उठा के ले, या फिर ऐसा मान लो जिसके कोई पुत्र ना हो, दोनों अर्थों में पुत्र। या ऐसे मान लो जिसके अंदर कोई पवित्रता ना हो वो भी पूतना है। पूतना लोक बालाघ्नि, बच्चों को मारने वाली है, राक्षसी है, रुधिरासना है, जिघांसयापी, जिघांसय का मतलब होता है हत्या करने की इच्छा। ये हत्या करने की इच्छा से आई थी। हरये स्तनम, अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर, दत्वाप सदगतिम, इतने पर भी भगवान ने उसे सदगति प्रदान की। ऐसा मनोरम चरित्र है हमारे कन्हैया का। बोले, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं कि सदगति इसलिए प्रदान की कि पूतना ने जैसा भी काम किया हो, इच्छा कुछ भी रही हो, लेकिन उसने बिल्कुल मेरी मैया यशोदा की तरह काम किया है। जैसे मेरी मैया यशोदा मुझको अपने स्तनों से लगाकर दुग्ध पिलाती हैं, ये पूतना मौसी ने भी तो मुझे दुग्ध पिलाया। जब इसने मुझे दुग्ध पिलाया तो ये मेरी मैया और मैं इसका बेटा, और बेटा अपनी मैया का अहित कैसे कर सकता? बस यही तो विशेषता है हमारे उस टेढ़ी टांग वाले की, मुरली मनोहर की। पता नहीं कौन से गुण पर, कौन से अवगुण पर भगवान प्रसन्न हो जाएं, आनंद में आ जाएं। पूतना में एक भी सदगुण नहीं था, लेकिन फिर भी कन्हैया ने उसके ऊपर कृपा की। पूतना का जब उद्धार हो गया तब एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। 28 नक्षत्र होते हैं, प्रतिदिन एक नक्षत्र आता है। कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया और मैया को तो यह था कि किसी ना किसी बहाने घर में बस आनंद और उत्सव होना चाहिए। मैया ने सोचा कि कन्हैया के जन्म उत्सव का आनंद उत्सव मनाते हैं। लाला का बड़ा अच्छा श्रृंगार किया,
सजा धजा कर पालने में जैसे ही लेटाया तो देखा कि आज कन्हैया ने करवट बदल ली। अब तो मैया और फूली फूली ना समाए, अरे मेरो लाला बड़ो है गयो है। आज तो लाला ने अपने हाथों करवट बदल लिया। तुरंत बुलवाया नाई और ब्रिज में लगा दी दुहाई। आ गई सखियां, सखियां आ गई, गोपियां आ गई। मैया तैने बुलौआ भेजो है, हम सब दौड़ी दौड़ी आई। बोले हाँ। बोले अब चलो नाच गाना प्रारंभ किया जाए, शुरू किया जाए। बोले हाँ। अरे बोले रुक रुक बहना रुक। बोले काहे? बोले इसलिए रुक के हम सब यहाँ नाचेंगी गाएंगी तो अपनो जो लाला है, छोटो सो लाला है, जाग जाएगो। बोले तो? बोले पहले हम इसको ठीक जगह पर रखे आए। मैया ने लाला को घर के आंगन के बाहर एक गाड़ी रखी थी, गाड़ी पर रखे थे पुराने माट मटका, उसके नीचे कन्हैया को लटका दिया, यहाँ कहें उनका पालने को रख दिया। और इधर उत्सव शुरू। आज उत्सव ही उत्सवों का दिन है, आज हम लोग पूरा आनंद लेंगे। अरे पलना मिलना झूलावे यशोदा मैया, पलना मिलना झूलावे यशोदा मैया, पलना
इधर सखियों ने मैया के आंगन में धमा चौकड़ी मचाना प्रारंभ की, नाच गाना शुरू हुआ और उधर तब तक कन्हैया की आंख खुल गई। कन्हैया ने आंख खोल के देखा और मन में ही मन विचार करने लगी कि मेरे ही गीत गब रहे हैं, मेरे लिए सब गीत हो रहे हैं और मेरे को देखो। मैया ने ताकियो है घर के आंगन के बाहर गाड़ी के नीचे टांग दी। अच्छा बच्चे कुछ कर तो सकते नहीं है, बुला तो सकते नहीं, भैया इधर आओ, मैया इधर आओ। शास्त्र कहता है बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों के रोने में बड़ा बल। तो कन्हैया ने अब चिल्लाना शुरू किया, धीरे धीरे रोना शुरू किया और जब रोते रहे रोते रहे रोते रहे, लेकिन गीत संगीत के शोर में कन्हैया की आवाज दब गई और कन्हैया की जब आवाज को किसी ने नहीं सुना तब कन्हैया ने क्या किया, बड़े जोर से हाथ पैर फटकारे और एक लात मारी तो उड़ गई धम्म से गाड़ी, आकाश में उड़ गई गाड़ी और नीचे आते आते वो सब हो गई चकनाचूर। बड़ा जोर से स्वर शब्द हुआ, मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को देखा, हृदय से लगा लिया। अब मैया बैठी बैठी विचार कर रही कि देखो कोनू तूफान आयो नाए हैं, कोनू बैल सांड बगल से निकरू नाए हैं, फिर ये गाड़ी कैसे गिरे। तब तक एक छोटा
बालक आया, मैया से कहने लगा कि मैया सही बात बताएं। बोले क्या? बोले मैं तो देख रहो तो। बोले कहा? बोले तेरे लाला ने एक लात मारी गाड़ी में, गाड़ी उड़ गई धम्म से, आसमान में चली गई और नीचे गिरी धड़ाम। मैया कहती हैं, अरे क्यों रे, तो इन्हें को लाज ना आत है? अरे इतनो छोटो सो लाला, एक ही एक लात गलने से गाड़ी आसमान में उड़ जाएगी। आज मैया ने उन बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया। तुरंत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, घर में ग्रह शांति करवाई कन्हैया की, बड़ा दान दक्षिणा दिया। इस प्रकार से कन्हैया की ये सकट व्यंजन लीला है। थोड़े दिन ब्रज में और गुजरे, कन्हैया आप थोड़ा थोड़ा पहिया पहिया चलना प्रारंभ कर दिया। एक दिन मैया यशोदा ने क्या किया, अक्सर होता है कि हम सब माताएं एक काम करती हैं कि जब भी फुर्सत होती है, अगर लाला छोटा होता है तो लाला को हाथ में उठाकर उसे उछाल उछाल कर खिलाती हैं। आज मैया ने लाला को हाथ में लेकर उछाल उछाल कर खिलाना शुरू किया। मैया थी बूढ़ी, थोड़ी देर खिला पाई तब तक थक गई। जब मैया थक गई तो मैया ने कन्हैया को अपनी गोद में लिया और दुग्ध पान कराना प्रारंभ कर दिया। मैया कन्हैया को दुग्ध पान करा रही हैं और कन्हैया तिरछी नजरों से इधर उधर देख रहे हैं। देख रहे तो देखा कि तृणावर्त नाम का एक दैत्य चक्रवात के रूप में उधर की ओर चला आ रहा है। कन्हैया ने कहा, ठीक है मैया, तो हमारी हमें ज्यादा ऊपर तक नहीं घुमा पाई, उछाल पाई, बूढ़ी हैं, हमें लगता है मामा जी ने अब भेजो है उड़न खटोलो, चलो अब उड़न खटोलो की यात्रा करते हैं, नेक हम हवा में घूम के आवे। धीरे 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 कन्हैया ने अपने भजन को बढ़ाना प्रारंभ किया। गरिमाणाम शिशोर बोढ़म नासे हे गिरिकूटवत् भूमम निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मैया कन्हैया को लिए बैठी और बड़े आश्चर्य में कि मेरो लाला इतनो भारी कैसे है गयो। आप विचार करने लगी कि मैं बहुत देर से एक दूध पिला रही हूं, लगता है ज्यादा दूध पी लिया, इसलिए आज ये मेरो लाला इतनो भारी हो गए हो। चलो कोनो बात नहीं, या को अभी आंगन में उतार देती हूं, थोड़ी बहुत देर घूमेगा फिरेगा खेलेगा, दूध पच जाएगा, वजन हल्का हो जाएगा। कन्हैया को मैया ने आंगन में उतार दिया और घर के काम करने के लिए चली गई। तृणावर्त को अवसर मिल गया, चक्रवात के रूप में तृणावर्त आया और कन्हैया को अपने कंधे पर बैठाकर आसमान में ले उड़ा। आसमान में उड़ा, कन्हैया भी तृणावर्त के कंधे पर बैठकर आसमान में उड़ रहे हैं, सब देख रहे हैं। पूरे ब्रज मंडल की शेयर कर ली, ये फलाने का घर है, ये उसका घर है, ये उसका घर है, ये उसका घर है, ये उस गोपी का घर है, ये उस गोपी का घर है। थोड़ी देर बाद कन्हैया ने क्या किया, अपने भजन को पुनः बढ़ाना शुरू किया। और जब कन्हैया का भजन असहाय होने लगा तो तृणावर्त अपने कंधे पर मुड़कर देखने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कृष्ण के चक्कर में मैं कोई काला पत्थर लेकर आ गया हूं, रख के लाया हूं। भगवान भी तृणावर्त को देखते हैं और उसकी बुद्धि के बारे में, उसके भ्रम के बारे में विचार करते कहते हैं कि अरे मेरे भक्त तो पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं और ये मूर्ख तृणावर्त, जब मैं साक्षात इसके कंधे पर बैठा हूं तब ये मुझ में भी पत्थर का दर्शन कर रहा है।
तृणाव्रत को प्रभु ने इतनी जोर से एक पत्थर पर लाकर पटका, हे तृणाव्रत गोविंदाय नमो नमः। जब तूफान शांत हुआ मैया दौड़कर आई, कन्हैया को वहीं पाया, लाला को गोद में उठाकर खिलाया मैया ने। मैया विचार करने लगी, तृणाव्रत वहीं मरा पड़ा था। मैया हर बार अलग अलग प्रकार से विचार करती हैं, अलग अलग प्रकार से सोचती हैं। अब की बार में मैया सोच रही हैं कि आज मोको पक्को विश्वास है गए हैं कि पापी अपने पाप से ही मरे। ये तृणाव्रत अपने पाप से ही मर गया, ऐसे मैया ने अपने मन को समझाया है और कन्हैया को घर लाई है। ऐसे कुछ और दिन बीत गए। एक दिन आया कि मैया कन्हैया को प्रेम से स्तनपान करा रही। अब यहां पर दो प्रकार की लीलाएं, कन्हैया ने मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन दो बार कराए, पहली बार यहां कराए। मैयाओं की आदत होती है कि जब बच्चों को दुग्धपान कराती हैं तो बच्चों के साथ कोई झांसी से ठिठोली करने की परंपरा है, सामान्य रूप से है, मानवीय स्वभाव है। मैया कन्हैया के तलवों को सहलाने लगी और मैया ने जैसे ही कन्हैया के तलवों को सहलाया कि कन्हैया खिलखिला के हंस पड़े, और जैसे ही हंस पड़े तो कन्हैया के मुख में मैया ने देखा तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। अब तो मैया आश्चर्यचकित दांतों आंखों को रगड़ने लगी, अरे राम ये क्या है, क्या है राम, पूरा विश्व दर्शन। लेकिन मैया ने अपनी आंखों का इसे भ्रम समझा और फिर कन्हैया के ऊपर बात्सल्य उड़ेने लगी। कन्हैया की इधर मधुर मधुर बाल लीलाएं चली रही थी कि इधर गोकुल मथुरा में एक दिन श्री बसदेव जी बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि आज मेरो लाला पूरो एक वर्ष को है गए, ना जाने ये बाबा नंद ने इसको नामकरण कियो है कि ना कियो है। चलो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास चलते हैं। बसदेव जी गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया, बोले महाराज एक काम है। बोले क्या काम? बोले कृपा करके आप मेरे छोरे को ब्रिज में जाके नामकरण कर आओ। बाबा ने कहा ठीक, चले जाते हैं। श्री गर्गाचार्य जी आज नंद भवन में पधारे, गोकुल में पधारे। नंद बाबा ने बड़ा भारी स्वागत किया गर्गाचार्य जी का। अरे महाराज बड़ी कृपा की, आप आए दर्शन हो गए, महाराज बड़ी कृपा की। अरे महाराज जी आपकी कृपा से मेरे घर में दो दो छोरे भयो हैं, दो दो छोरे हैं, नेक उनके ग्रह नक्षत्र देख के बताओ महाराज जी। जब से घर में छोरा भयो है बाबा, तब से कोनू ना कोनू अला बला तो आ ही रही है महाराज। गर्गाचार्य ने कहा कि अच्छा अपने बच्चों के नाम बताओ, अपने छोरा को नाम बताओ। अब बाबा नंद रहे शांत। बाबा नंद बोले महाराज जी नाम तो धरो ना आए हैं। अरे बोले तुमने अभी तक नाम नहीं रखा। बोले महाराज जी नाम तो ना धरो। बोले जब हमें नाम पता नहीं है तो राशि पता नहीं है, राशि पता नहीं है तो नक्षत्र कैसे जाने, ग्रह कैसे जाने, कौन सा शांति करवाना है, कौन सा मणि मुक्तक पहनाना है, ये सब कैसे पता चलेगा। बोले तो महाराज जी एक काम करो, आप ही नेक हमारे छोरन के नाम धर दो। गर्गाचार्य बोले अरे बाबा नंद मैं यदुवंश का आचार्य हूं, अगर तुम्हारे छोरों को हम नाम रखेंगे तो कंस तक कहीं ये खबर ना पहुंच जाए कि ये वसुदेव को लाला है। बोले तब ऐसा करो, नाम तो हम रख देंगे लेकिन गुप्त रीति से। बोले कैसे? बोले गौशाला में चलें
और धीरे से मैयन के साथ में अपने छोरन को लेके आए। वहीं हम दोनों छोरों के नाम रख दें। बात पक्की हो गई। गर्गाचार्य जी को नंद बाबा गौशाला में लेके गए और मैया यशोदा और मैया रोहिणी दोनों अपने अपने लालन को लेके गौशाला की ओर प्रस्थान करवे। वहीं अब मार्ग में दोनों मैया सोचती हैं। यशोदा मैया बोली, बहन, बोले हाँ, बोले आज पता नहीं मोए ऐसो लग रहो है कि तनक ये बाबा की कछु परीक्षा परीक्षा लें चाहिए। बोले कैसे? बोले बस छोटी सी बात है, मेरो छोरा तू ले ले, तेरो छोरा मैं ले लूं। अगर पक्को ब्राह्मण होए, पक्को संत होए तो बता देंगे, नहीं है तो समझ लें खड़िया पलटन। ठीक है, दोनों माताओं ने ऐसे किया। यशोदा मैया का छोरा रोहिणी जी ने अपने गोद में ले लिया और रोहिणी जी का पुत्र मैया यशोदा ने अपनी गोद में ले लिया। गर्गाचार्य जी के पास पहुंची, प्रणाम किया महाराज को, और जैसे ही कन्हैया की छवि गर्गाचार्य ने देखी, स्तब्ध रह, देखते ही रह गए, आंखें फटी की फटी रह गईं। संतों की विशेष बात होती है ना, कारुणिका, करुणा उमर पड़ी, आनंद का पारावार नहीं रहा। उस मोहिनी, उस सांवली शलोनी सूरत को देखकर, उसको मन में भरकर, उसके अपने हालात को हृदय में जानकर गर्गाचार्य जी एकदम मौन। जब थोड़ी देर तक गर्गाचार्य जी ऐसे ही शांत रहे तो मैया ने हिलाया डुलाया, देखे हिले ना डुले, बोले ना चाले ना हिले ना डुले। मैया यशोदा बोली, लगता है कि बाबा जी तो, लेकिन तब अचानक गर्गाचार्य जी का ध्यान खुला। बोले हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ, बोले बाबा जी, ये हम दोनों के छोरे हैं, इनका नाम रख दो। आप गर्गाचार्य ने देखा कि कुछ अदला बदली सी लग रही, चूंकि त्रिकालदर्शी महात्मा थे, सिद्ध संत थे, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यहां कुछ बदला बदली लग रही है, कुछ गड़बड़ तो लग रही है, और कहना शुरू किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वहृदयो गुणो आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु। अरे मैया यशोदा, तू जिसको अपनी गोद में लिए है ये रोहिणी को लाला है। और मैया ने जब इतना सुना तो समझ गए कि मेरी तो कोई चोरी पकड़ी गई। दोनों मैया तुरंत बोलने लगी, अरे बाबा ऐसी कोनो बात नहीं है, हम दोनों तो अपने अपने छोरन में कोनो नै को भेद ना करते। अरे जैसो मेरो छोरा तैसो रोहिणी को छोरा, हम दोनों अपने लालन में बाबा जी नै को भेद ना करती है। ये रोहिणी का पुत्र है, बड़ा बलवान है, अच्छे गुणों से युक्त है, राम के नाम से ये जग में जाना जाएगा, बल अधिक हो गया होगा, इसलिए बलराम के नाम से, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं बलराम। कुछ लोग इसको संकर्षण भी कहेंगे, क्योंकि मैया देवकी के साथ में गर्भ का, मैया रेवती में संकर्षण किया गया था, इसलिए इसका एक और नाम संकर्षण भी होगा। अब तो रोहिणी मैया अपने हाथ में लाला को लिए थे, रोहिणी मैया कह उठेंगे, अब यो लाला को नाम धर दो महाराज। महाराज ने कन्हैया को देखा, बहुनी संत नामानी रूपाणी चा सुतश्यते गुण कर्मानु रूपाणी तान्यहं वेदनो जनः। तात्पर्य, इनके नाम अनेक अनूपा। बाबा जी कहते हैं कि इस
छोरी के नाम तो हजारों नाम पड़ेंगे। बोले कैसे? बोले जैसो जैसो करतो जाएगो काम, तैसो तैसो होतो जाएगो नाम। लेकिन फिर भी अपनी मति के अनुसार मैं इसका एक नाम रखता हूं और वो नाम है कृष्ण। यशोदा मैया बोली, ये बाबा काकी हो तो टेढ़ो मेढ़ो नाम रख दियो, मेरे तो जीभ ही पलटी खाई गई, का मतलब हो तो है कृष्ण को। तब बाबा कहने लगे, करिष्यति इति कृष्ण, अपने गुणों से, अपनी मनोहर बाकी छवि से, अपने लोक लुभावन व्यक्तित्व से, जो स्वतः ही अपने मन को, किसी और के मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, वो है कृष्ण। दोनों लालाओं के नाम हुए। अब दोनों मैया गौशाला से बाहर निकली। दोनों मैया सोच रही हैं, बाबा जी ने तो बड़े कठिन नाम धर दिए, बलराम तो कुछ ठीक है, कृष्ण का नाम लेते लेते जी भाई चक्कर खाई जाती है। बोले तो, बोले अब ये बात तो ठीक है, जैसे बाबा जी ने नाम रख दिए सो ठीक, हम लोग अपने नाम रख लेते हैं। बोले कैसे? बोले एक होगा कनुआ और एक हो गया बलुआ। बलराम जी का नाम रख लिया बलुआ और कृष्ण जी का नाम रख लिया कनुआ। हम लोग भी यही करते हैं, बच्चों के बड़े बड़े नाम होते हैं, माताएं प्यार में अपने अपने छोटे छोटे नाम, उल्टे सीधे नाम रख लेती हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे नाम रख लेती हैं जिन नामों का मतलब ही बहुत खराब होता है। यूरोपियन भाषा में जैसे हम लोग सामान्य रूप से एक नाम रखते हैं टिंकू, टिंकू का मतलब होता है बिगड़ा हुआ बालक। और हम लोग सामान्य रूप से अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं टिंकू, फलाना, डिमा।